फैक्ट नंबर वन, साउथ इंडस्ट्री के नंबर वन डायरेक्टर एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड फिल्म आरआरआर ने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं, रिलीज के पहले दिन ही आरआरआर ने 220 करोड़ रुपए की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन और इंडिया में 156 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके राजामौली की ही बाहुबली 2, मार्वल की अवेंजर और डीसी की बैटमैन को धूल चटा दी है। यही नहीं, 300 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट में बनने वाली इस फिल्म ने अमेरिका में भी 22 करोड़ रुपए कमाकर सभी भारतीय फिल्मों को यूएस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में पीछे छोड़ दिया है। यानी कि देश हो या विदेश, हर जगह सिर्फ आरआरआर का ही डंका बज रहा है। बहरहाल, जिस तरह से ये ओपनिंग हुई है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आरआरआर आगे चलकर हजार करोड़ रुपए के ऐतिहासिक आंकड़े को भी छू सकती है। गाइज, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर टू, हमें अब क्या गिराएंगी ये छोटी मोटी मुश्किलें, हमने तो चलना भी ठोकरों से सीखा है। कुछ इसी तरह का जज्बा है उत्तराखंड के प्रदीप मेहरा का, जो महज 19 साल का है। दरअसल प्रदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने बनाया है। इस वीडियो में प्रदीप ने अपने कंधे पर बैग टांगा हुआ है और वो सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है। रात के 12 बजे प्रदीप को इस तरह से दौड़ते देख विनोद कापड़ी ने उसे लिफ्ट देने का ऑफर दिया, लेकिन प्रदीप ने मुस्कुराते हुए इसे इनकार कर दिया और कहा कि वो दौड़ते हुए ही अपने घर जाएगा। विनोद ने जब ये पूछा कि ऐसा क्यों, तो प्रदीप ने बोला कि वो सेना में भर्ती होना चाहता है और काम की वजह से उसे प्रैक्टिस करने का समय ही नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो ड्यूटी खत्म करके घर इसी तरह से जाता है। इससे उसकी दौड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। गाइस, यही नहीं, प्रदीप की माँ का इलाज भी चल रहा है, बावजूद इसके वो अपने सपने, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। दिल से सलाम हो ऐसे हौसले को। फैक्ट नंबर थ्री, गाइस, टाइम ट्रेवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन और इजैक न्यूटन जैसे साइंटिस्ट की थ्योरी को माने तो ये मुमकिन है और अक्सर इससे जुड़ी खबरें आती रहती हैं। दरअसल अलेक्जेंडर स्मिथ नाम के एक शख्स ने अपेक्स टीवी से बात करते हुए कुछ वक्त पहले ये कहा था कि वो साल 1981 में ही टाइम ट्रेवल करके साल 2118 में गया था और वहां से वापस भी आया था। शख्स ने एक तस्वीर भी दिखाई जिसमें कुछ ऊंची इमारतें नजर आ रही हैं। इसका कहना साफ था कि वो फोटो भविष्य में खींची गई है और सच में वो फोटो इस दुनिया की नहीं थी। स्मिथ ने इंटरव्यू में दावा किया था कि फ्यूचर में एलियंस धरती पर आ जाएंगे और वो अलग अलग देशों के लीडरों से संपर्क भी करेंगे। गाइज, भले ही अलेक्जेंडर की इस बात पर लोगों का ध्यान ना गया हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। फैक्ट नंबर फोर, गाइज, हम ये तो जानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल्फी लेना, जो आज दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय चलन है, इसकी शुरुआत भी बंदर के हाथों से हुई थी। सेल्फी शब्द अंग्रेजी के सेल्फ शब्द से बना है। इस प्रकार सेल्फी का सीधा सा मतलब स्वयं के द्वारा खींची गई खुद की तस्वीर से है। दरअसल इसकी धमाकेदार शुरुआत 2011 से हुई थी, जब नरूटो नाम के मकाऊ प्रजाति के बंदर ने इंडोनेशिया में ब्रिटिश वन्यजीव फोटोग्राफर डेविड स्लॉटर के कैमरे का बटन दबाकर एक सेल्फी ले ली थी। सेल्फी शब्द को 2013 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया था। हालांकि सेल्फी शब्द का पहली बार उपयोग फोरम एबीसी ऑनलाइन नामक वेबसाइट ने 13 सितंबर 2002 को किया था। कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिका के फोटोग्राफर रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने सन 1839 में पहली सेल्फी ली थी। गाइस, क्या आपको सेल्फी का ये इतिहास पहले से पता था? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।